सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। 1 जून नू फौजां दरबार साहब दे उत्ते चढ़ाई कर दियां ने, 6 जून तक इत्थे सन जरनैल सिंह पिंडरां वाले, जनरल शबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे नाल बहुत सारे होर सिंह 6 जून तक शहीद किए जाते हैं। निशान जिहड़े है वो सिर्फ कंधां दे उत्ते नहीं, सिखां दे छातियां दे उत्ते अज भी मौजूद ने, वो साडे दिलां दे उत्ते अज भी मौजूद ने कि किंज श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी कर दिते गए, किंज दरबार साहब दे उत्ते हमला होया, किंज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीआं पवित्र बीड़ां नूं सरूपां नूं बेअदबी उहनां दी कीती गई, और किंज गोलियां दे निशान तक असीं तस्वीरां दे विच देखे। साडी आउण वाली पीढ़ी, नवीं पीढ़ी इस इतिहास तो शायद घट जाणू होवे, तां एक इतिहास दे पन्नियां दे विचों वह तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करदे आं जो तुसीं घट देखियां, शायद अमृतसर साहिब रहिंदे लोकां ने देखियां होण, मीडिया कर्मी जो रोज़ कवरेज करना आउंदे उन्होंने भी देखियां होण, पर बहुत सारे लोगों ने घट देखियां। तो पिछे तुसीं जो देख रहे हो जिथे असीं खड़े हाँ, ये तेजा सिंह समुंदरी हॉल है, ये वो इतिहासक थां है जिथे हमेशा तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सिख पंथ दे नाल जुड़े हुए वड्डे फैसले हमेशा लए जांदे रहे है। तेजा सिंह समुंदरी हॉल बहुत सारे फैसलों का गवाह बनता आया, पर हुण तस्वीरां दे विच जो तुसीं ये निशान देख रहे हो जिन्हां दे उत्ते नंबर लगे हुए ने, ये उकरे हुए निशान तुहानूं 84 की याद दवाउणगे, जून 84 दे ओ दिन जदों भारतीय फौज अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी करन वास्ते, सन जरनैल सिंह पिंडरां वालियां नूं शहीद करन वास्ते, और होर बहुत सारे अनेकां सिंह जो पंचम पातशाह दे शहीदी गुरपुरब वास्ते इत्थे इकट्ठियां होईयां, गुरु रामदास सरां और बाकी निवास स्थान ने जिहड़े उहनां दे विच बेकसूर बहुत सारे लोग जो इत्थे इकट्ठे होए मत्था टेकण वास्ते दरबार साहिब आए सी वो शहीद कर दिते गए, उहनां नूं मार दिता गया। ये निशान उस वेले दीआं गोलियां दे निशान ने जिन्हां दे बकायदा नंबर लगाए गए ने, तुसीं तस्वीरां दे विच देख रहे हो। ये तेजा सिंह समुंदरी हॉल दे उत्ते वज्जियां गोलियां दे निशानां दे नंबर ने जो एक एक करके तुसीं अपनी स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो, और ये टॉप तक जे तुसीं पूरे तेजा सिंह समुंदरी हॉल दी इस बिल्डिंग, बाद दे विच हालांकि पेंट किया गया, पेंट करन तो बाद जो गोलियां दे निशान सी उन्हां नूं एज़ इट इज़ रख्या गया ता जो आने वाली पीढ़ियां नूं ये पता लग सके कि ये दरअसल है कि बच्चे आने वाले सवाल करन कि ये इस तरह क्यों रखे गए है, तो उन्होंने दस्या जा सके कि ये वो निशान ने जो जून 1984 दे विच दरबार साहब दे उत्ते जो फौजा चढ़ियां ता जो गोलियां चलियां जो तेजा सिंह समुंदरी हॉल दी है। हालांकि इस तो इलावा जिहड़े चाहे रामगढ़िया बुंगा होवे, होर बहुत सारे जिहड़े स्थान दरबार साहब दे आसे पासे ने उन्हां दे उत्ते वो ढा दिते गए सी, रामगढ़िया बुंगा दा टॉप जिहड़ा सी वो बिल्कुल ढा दिता गया सी, जिस नूं बाद दे विच दुबारा बनवाया गया। अकाल तख्त साहब ते कुछ निशान ने जिहड़े अज भी मौजूद ने, अकाल तख्त साहब दे थल्ले वो निशान जिहड़े है दोबारा जदों उसारी हुंदी है अकाल तख्त साहब दी, तां कुछ एक निशान जिहड़े ने उह दीवार जिहड़ी है वह एज़ इट इज़ रखी गई है, बाकी जिहड़ा वो दोबारा रीबिल्ड किया गया। पर जिवें जलियांवाले बाग का इतिहास है साडा 1919 का, वह निशान अज भी सांभे पए ने, तां देश दुनिया दे विचों लोग वो देखण आउंदे ने कि आखिर ये निशान कादे निशान ने, तां ये एक मैसेज है कि ये जिहड़े निशान ने ये अंग्रेज़ां दी काली करतूत दे निशान ने, उस तरह दरबार साहब दे विच जिहड़े जिथे जिथे वो गोलियां दे निशान ने और उन्हां नूं एज़ इट इज़ रख्या गया, तां उन्हां दे विचों ये कुछ निशान असीं तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हाँ। नंबर लगे ने 62, 64, 65 और होर भी जिहड़े इस तों उपर तक जिथे उपर गुंबद नज़र आ रहा होना है, जेकर जूम करके कैमरामैन उत्थों तक तुहानूं दिखा सकन तां उत्थे भी गोलियां दे निशान जिहड़े ने नज़र आउंदे ने, 95, 96 ये नंबर जिहड़ा है लिखे हुए ने, तो एक तो शुरू हो के जिन्हें जिन्हें निशान ने उन्होंने एज इट इज़ रख के वो नंबर जिहड़े है वो इहदे ते बकायदा तौर के उत्ते लिखे ने, और स्टील दियां इह जो गोल बना के मैं कैमरामैन नूं कहूँगा थोड़ी ये दिखाउण दी इधर कोशिश करनगे, तो ये गोलियां दे निशान नूं आइडेंटीफाई करन वास्ते और इन्हां नूं
संभाल के रखने वास्ते इस तरह दियां ये गोल जिहड़ियां पत्तियां बना के इहदे उत्ते ला दित्तियां गईयां ने और इन्हां नूं फिक्स इत्थे कर दित्ता गया तां जो ये जिहड़े निशान बचे ने इन्हां नूं उस तरह संभाल के आने वाली पीढ़ियां दे वास्ते ये दसण वास्ते कि दरअसल की होया सीगा ये रखे गए ने एक इत्थों शुरू हुंदे पहले निशान यही है तो यह हालांकि एक दो तीन नंबर जिहड़ा इररेलीवेंट है कि किन्ने नंबर ने क्योंकि अणगिनत गोलियां चलाईयां गईयां इत्थे तोपां तक जे जिहड़ियां टैंक जिहड़े आ चाड़ दित्ते गए सी तां गोलियां तां बहुत छोटियां चीज़ सी पर इन्हां गोलीबारी तुसीं देख सकदे हो कि ये निशान ये दसदे कि किस कदर जिहड़ी है अन्नेवाह जिहड़ी फायरिंग उस वेले कीती होनी है किन्नी अन्नेवाह फायरिंग हुई है ते और बिल्डिंग दे निशान उस गल की गवाही भरते हैं। ये दस दिए कि तेजा सिंह समुंदरी हॉल है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह नाल दफ्तर और ये जिहड़ा हॉल है ये इतिहासक गवाहियां भरदा आया हॉल है। इस हॉल दे विच वड्डे वड्डे जिहड़े फैसले लए गए ने सिख पंथ दे नाल समर्पित हालांकि इधर धर्म प्रचार कमेटी का जिहड़ा ये दफ्तर है खब्बे हाथ जे कैमरामैन दिखाउणगे बाद दे विच उसारिया गया उस वेले दफ्तर इत्थे नहीं सीगा ये बिल्डिंग जिहड़ी है ये उदों नहीं सीगी इत्थे खाली दस्या जा रहा है और सामने खब्बे हाथ इधर दस्या जा रहा है कि उस वेले दे जिहड़े प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा उन्हां दा इधर कमरा हुंदा सीगा एक इस पासे एक कमरा सीगा जिथे वो विश्राम करते सीगे और वो जदों कोई समा मिलता तो वो इस कमरे दे विच उदों बैठते सीगे और इस पासे जिहड़ी सामने तुसीं जेकर नज़र मार रहे हो तो उपर एक टैंकी दसी जा रही है जो सानूं भाई मनजीत सिंह होना ने दसी है वो टैंकी सीगी और उस टैंकी दे उत्ते बंब सुट्टिया गया सीगा और फिर इधरों जिहड़ा इस पासे मोर्चा लग्या सी वो उस बंब तो बाद वो कह रहे उन्होंने जिवें सानूं दस्या जिवें सानूं नरेट किया कि सामने कुछ कमरे ने उन्होंने कमरिया दे विच आके वो फिर वो जिहड़े फैडरेशन दे नौजवान सीगे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे नौजवान भाई अमरीक सिंह दे छोटे भरा भाई मनजीत सिंह ने अजकल वो सेवा निभा रहे ने और उन्होंने ये सारी दसी है तो ये जिहड़े निशान ने असी तुहानू ये निशान दिखाने की कोशिश जिहड़ी कीती है ये सारे निशान वो गोलियां दे निशान ने जिहड़े इतिहास का वो हिस्सा ने जो वार वार ये दोहराते ने कि दरअसल दरबार साहब दे उत्ते किस कदर किंज हमला जिहड़ा वो कीता गया और दरअसल की घटनावां उदों हुंदियां इसकी जानकारी थोड़े बच्चे कल नूं जदों आके इत्थे देखणगे जेकर वो आउंदे ने इत्थे और ये नज़र मारदे ने कि ये इस तरह क्यों कीता गया मन दे विच उहनां दे सवाल आऊगा कल नूं नौजवान पीढ़ी दे तां तुसीं इतिहास दस सको अपना बड़ा लाजमी है कि तुसीं तुहाडे जो निशान इस तरह के छड़े गए वो तुसीं संभाल के रखो तां जो तुसीं आउण वालियां पीढ़ियां नूं जुल्म दे खिलाफ ये दस सको कि इस तरह तुहाडे पुरखियां ने या कौम ने कुछ सिया है। ये बड़ा लाजमी है कि आज़ाद भारत दे विच डेमोक्रेटिक भारत दे विच दरबार साहब दे उत्ते हमला कीता गया ये पहली बार नहीं सी 1955 च भी दस्या जांदा है कि दरबार साहब दे उत्ते फौज चाढ़ी गई सी उदों जवाहर लाल नहरू देश के प्रधानमंत्री सीगे जदों 1955 च पहली बार पंजाबी सूबे की मूवमेंट जिहड़ी है वो चलती है तो पहली बार 1955 च इस तरह कीता गया इतिहास गवाह है। हालांकि बहुत बार दरबार साहब ते हमले हुए है चाहे वह अब्दाली रहा होवे होरां ने भी हमले किए हैं पर क्योंकि डेमोक्रेटिक इंडिया 1947 तो बाद देश आज़ाद होया साडा 52 दे विच संविधान लागू हुंदा है तां डेमोक्रेटिक इंडिया दे विच फिर 55 च पहली बारी फौज है जिहड़ी वो जवाहर लाल नहरू जिहड़ा है वो 55 दे विच भी ये हमला हुंदा है तां उस तो बाद 84 दे विच क्योंकि 75 च इंदिरा गांधी एमरजेंसी लाउंदी है इंदिरा गांधी दा एक आपदा स्टाइल रहा देश नूं चलाउण दा ते फिर 78 दे विच जिहड़ा विवाद शुरू हुंदा है निरंकारियां वाला इशू हुंदा है अमृतसर दे विच सिंह शहीद हुंदे है फिर धर्म युद्ध मोर्चा लाया जांदा है इस तो पहला भाई अमरीक सिंह दी गिरफ्तारी वेले ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन ते टकसाल मिल के एक मोर्चा लाउंदी है उस तो बाद धर्म युद्ध मोर्चा जदों अकाली दल नाल रल जांदा है ते फिर 84 दे विच सन जरनैल सिंह भिंडरां वालिआं नूं कहा गया कि असीं उहनां नूं फड़न दे वास्ते इस तरह की कार्रवाई की है
पर अकाल तख्त साहब ढह ढेरी हो जाता है, दरबार साहब पर हमला होंगे और ये जिहड़े पिछे तुसीं निशान देखे ने सारे निशान उस गल की गवाही भरते हैं कि दरअसल ये गोलियां ये तेजा सिंह समुंदरी हॉल दे उत्ते ये निशान नहीं है, ये हरेक उस शांति पसंद इंसान दे मना दे उत्ते निशान ने जो कदे नहीं चाहुंदा कि पंजाब दी शांति भंग होवे, जो कदे नहीं चाहुंदा कि किसे दे नाल भी मुल्क दे विच जुल्म होवे, जो कदे नहीं चाहुंदा कि कानून किसे वास्ते वक्खरा होवे, मुल्क च कानून सब वास्ते बराबर ते इक्को होवे और हरेक जिहड़ा शख्स है इस मुल्क दे विच शांतमई तरीके दे नाल प्यार ते सद्भावना दे नाल, क्योंकि गुरबाणी भी सानू सद्भावना ते मानवता दा संदेश दिंदी है, सभे सांझी वाल सदायन दा संदेश दिंदी है, इस करके जरूरी है कि इन्हां निशानां नू सांभिया जावे ता जो आने वाले पीढ़ियां नू ये दस्या जावे कि जुल्म हुंदे आए है और देश दे नागरिक जुल्म सहंदे आए है, इस दी आवाज़ हमेशा चुकी जांदी रहनी चाहीदी है। कैमरा परसन जगरूप सिंह ते गगन दे नाल सिमरनजोत सिंह, डेली पोस्ट, श्री अमृतसर साहिब।